हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील चेस के 8th राउंड की गेम देखेंगे, जहां पे 18 साल के रशियन जीएम एंड्रे एसीपेनको ने मैग्नस कार्लसन को बीट कर दिया। कमाल की बात यह है कि इस गेम में मैग्नस कार्लसन ने बस एक छोटी सी इनएक्यूरेसी की और उसका जो है इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और 2011 के बाद मैग्नस कार्लसन का यह पहला लॉस है टीनेजर के सामने। सो गेम डेफिनेटली देखने को बनती है। और वैसे भी मैग्नस कार्लसन जो है कोई भी गेम लॉस करे तो वो टॉप ऑफ द टाउन ही होती है। सो आइए शुरू करते हैं गेम, जहाँ पे एंड्रे ने गेम की शुरुआत की e4 से। एंड नाउ c5 सिसिलियन डिफेंस मैग्नस कार्लसन ने खेला, नाइट टू f3। एंड नाउ d6, d4 ओपन सिसिलियन, c takes on d4, नाइट टेक्स ऑन d4। एंड नाउ नाइट टू f6, नाइट टू c3, a6 एंड नाइट ड्रॉप वेरिएशन। एंड नाउ बिशप टू e2, e6, बिशप टू e3, बिशप टू e7 एंड नाउ g4। सो वाइट ऑलरेडी जो है ऐसा मान रहा है कि ब्लैक आगे चल के शॉर्ट साइड कैसल करेगा। सो उसने ऑलरेडी अटैक जो है स्टार्ट कर दिया है। उनका आइडिया है यहाँ पे g5 करके जो है किंग साइड ओवर स्पेस गेन करना है। अब b5 मैग्नस कार्लसन ने खेला, एंड नाउ g5 नाइट पे अटैक है, नाइट f2 d7 एंड नाउ a3। सो यहाँ पे देखिए कि वो g5 पोन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रीज़न ये है कि g5 ओपन मिल रही है नंबर 1, और आगे चल के जब भी ब्लैक शॉर्ट कैसल करेगा तो वहाँ पे रुक जो है वो इफेक्टिव होगा g5 पे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कैप्चर करते हो g5, मैग्नस कार्लसन ने वहीं खेला, देन क्वीन d2 एंड आफ्टर बिशप कैप्चर्स ऑन e3, क्वीन कैप्चर्स ऑन e3। ये पोजीशन देखिए जहाँ पे वाइट के 3 पीसेस डेवलप है, क्वीन जो है वो भी अच्छे प्लेस पे है और ब्लैक का जो है सिर्फ एक ही पीस डेवलप है। सो इसलिए एक पोन के बदले में जो है यहाँ पे वाइट के पास डेफिनेटली कंपनसेशन है। और इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि क्वीन e7 जो है बेस्ट मूव है और एक गेम यहाँ पे तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट गेम में क्वीन टू h4 खेला गया, जो कि एक छोटी सी इनएक्यूरेसी थी, और उसके बाद मानिए गेम जो है हाथ में से चली ही गई। सो क्वीन कैप्चर्स ऑन e3 एंड क्वीन e7 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब आप रुक g1 खेलते हो, यहाँ पे ब्लैक खेल सकता है g6 एंड आफ्टर लॉन्ग कैसल बिशप टू b7 पॉसिबल है, एंड आफ्टर किंग टू b1 यहाँ पे से नाइट टू c6। एंड अब एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं है। कॉम्बिनेशन ये है कि आप खेलोगे नाइट कैप्चर्स b5, पोन कैप्चर्स b5, नाइट कैप्चर c6, बिशप कैप्चर c6 के बाद जस्ट क्वीन टू c3। एंड आइडिया ये है यहाँ पे कि ब्लैक नाइट टू e5 खेल सकता है, जिसकी वजह से सब कुछ सेव हो सकता है। जब आपने क्वीन h4 खेला है, आपको एक मूव वापस ले जानी पड़ेगी क्वीन टू e7, क्योंकि आपका d6 जो है वीक होता है लॉन्ग कैसल के बाद। सो जब भी ये d6 पोन वीक है, दैट मींस आपको एक मूव वापस ले जानी पड़ेगी क्वीन e7, और वाइट खेल सकता है f4, जिसकी वजह से नाइट e5 पॉसिबल नहीं बनेगा बाद में। और ये पूरा जो है कॉम्बिनेशन वाइट ने यहाँ पे प्लान करके रखा है। इस पोजीशन में रुक टू g1 वाइट ने खेला, सो g7 पे अटैक है, नाउ g6 एंड नाउ जस्ट लॉन्ग कैसल। और दोस्तों यहाँ पे जो है पोन को कैप्चर करना जो है सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि आप जस्ट क्वीन से जो है पोन कैप्चर करते जाते हो एंड वहाँ वाइट जो है रुक टू जस्ट h1 खेलेगा एंड देन रुक टू g1, वो पोजीशन जो है डेफिनेटली वहाँ पे वाइट की काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सो क्वीन टू e7 गेम में खेला गया। से वहाँ पर आप ट्राई करते हो लाइक बिशप टू b7, देन अब क्या होगा कि नाइट टू b3 आ जाएगा, d6 पे अटैक है, इसलिए पहले क्वीन टू e7 खेला गया। और अब अगर आप क्वीन e7 खेलते हो देन नाइट टू f5, और आपका बिशप जो है यहाँ पर रह नहीं पाएगा, दैट मीन्स अभी भी जो है आपको डेवलपमेंट में इश्यू है यहाँ पे। सो कैसलिंग के बाद क्वीन टू e7 मैग्नस कार्लसन ने खेला, एंड नाउ f4। सो एक लोथी एडवांस मूव है यहाँ पे वाइट के पास, कंपेयर टू क्वीन टू e7 एंड क्वीन h4 का ये डिफरेंस है। आपने पहले क्वीन h4 खेला, देन अगेन क्वीन जो है e7 पे लेके गए, एंड नाउ बिशप टू b7 एंड नाउ किंग टू b1, और अब देखिए नाइट टू c6, और इस पोजिशन में अब नाइट सी कैप्चर्स ऑन b5, ए कैप्चर्स ऑन b5 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन c6, बिशप कैप्चर्स ऑन c6, और अब क्वीन टू c3 अ डबल अटैक, रुक पे भी अटैक है एंड देन बिशप पे भी अटैक है। सो यहाँ पे जो है शॉर्ट कैसल मैग्नस कार्लसन ने खेला, एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन c6। सो पोजीशन जो है वो मटेरियल वाइज इक्वल हो चुकी है, दोनों के पास 6-6 पोन है। बट अगर आप पीस को ध्यान से देखें तो हमारे पास बिशप है नाइट के बदले में, d6 पोन वीक है, b5 पोन वीक है, और जैसे ही b5 पोन चला जाएगा यहाँ पे वाइट के पास जो है 3 पास पोन बन जाएंगे। सो गेम विन करने के लिए इनफ है अगर गेम जो है वो एंड गेम में भी जाती है तो। और d5 मैग्नस कार्लसन ने खेला, एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन d5, और अब यहाँ पे उन्होंने खेला रुक f2 c8, जबकि उधर कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि पोन कैप्चर्स d5 खेलना ज़रूरी था, बट उस केस में सिंपली बिशप कैप्चर्स ऑन b5। ओके, नाइट पे अटैक है, नाइट मूव होती है तो
अगर गलत जगह पे नाइट मूव होगी तो रुक कैप्चर से डी5 आ सकता है, ऐसे नाइट f6 आप करोगे देन f5 भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे वाइट की पोजीशन जस्ट काफ़ी अच्छी है। सो ई कैप्चर्स ऑन डी5 के बाद खेला गया रुक f2 c8, बट नाउ d6 सामने क्वीन पे अटैक है और इस पोजीशन में से आप रुक कैप्चर c6 खेलते हो, बट देन d takes on e7। सो अभी पॉइंट ये है कि नाइट पे अटैक है, नाइट मूव होते ही रुक टू d8 आ रहा है और से आप रुक c7 जैसे ट्राई करते हो देन बिशप कैप्चर्स ऑन b5 वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि नाइट मूव करते ही रुक d8 आ जाएगा और अगर आप यहाँ पे रुक टू a7 करके नाइट को दूसरा सपोर्ट देते हो देन जस्ट पॉन प्रमोशन इन टू क्वीन एंड वाइट इज़ कम्प्लीटली विनिंग। सो d6 के बाद खेला गया क्वीन टू d8 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन b5, रुक c2 d8 एंड नाउ क्वीन c4, रुक कैप्चर्स ऑन a3 एंड नाउ क्वीन टू c7। पॉइंट है कि अगर आप कैप्चर के लिए जाते हो देन पॉन कैप्चर्स, नाइट अंडर अटैक है, रुक अंडर अटैक है, दूसरी और दूसरा रुक जो है वो भी अंडर अटैक है। सो ये पोजीशन वाइट के लिए विन है। सो क्वीन टू c7 के बाद क्वीन टू e8 मैग्नस कार्लसन ने खेला एंड नाउ रुक टू g5, रुक को एक्टिवेट किया, साथ साथ ये रुक जो है सिंपली a5 पे जा रहा है जहाँ से हम जो इस पावरफुल रुक को एक्सचेंज कर सकते हैं। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक a4 ताकि रुक टू अगर a5 आता है तो रुक को b4 पे खेला जाए और b5 पे जो है कुछ अटैक किया जाए। रुक a5, रुक b4 एंड नाउ b3 एंड नाउ रुक टू b7, क्वीन पे अटैक है, क्वीन टू c3 और इस पोजीशन में क्वीन टू d8 मैग्नस कार्लसन ने खेला। से क्वीन c3 के बाद आप ट्राई करते हो कि इस नाइट को एक्टिव करो, से नाइट टू b6 आप खेलते हो, बट वहाँ पे बिशप a6 बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट ये है कि रुक टू a7 के बाद बिशप टू b5 जा सकते हैं, जिस केस में रुक पे भी अटैक होगा और साथ साथ जो है क्वीन पे भी अटैक होगा। और उसी तरह से आप नाइट d5 खेलते हो, पहले जो है वाइट की क्वीन पे अटैक करते हो, बट देन वाइट यहाँ पे एक्शन सेक्रीफाइस दे सकता है विथ रुक कैप्चर्स ऑन d5, पॉन कैप्चर्स d5 एंड अब जो है बिशप कैप्चर्स, रुक टेक्स एंड जस्ट रुक कैप्चर्स ऑन d5 और कहना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे वाइट की पोजीशन बेटर है। उसके पास दो एक्स्ट्रा पोन है प्लस साथ साथ जो है स्पेशली d6 वाला पोन जो है वो काफ़ी डेडली है। सो क्वीन c3 के बाद मैग्नस कार्लसन ने खेला क्वीन टू d8 एंड नाउ बिशप टू f3, जस्ट रुक पे अटैक किया है एंड आफ्टर रुक b4 अब जो है क्वीन टू c7 खेला गया और यहाँ पे भी कैप्चर करना सही नहीं है, अदरवाइज पोन कैप्चर्स, रुक पे अटैक होगा और उसके बाद जो है रुक कैप्चर्स ऑन d7 उधर विनिंग है। सो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेल दिया क्वीन टू f6। सो उनका पॉइंट ये है कि अगर आप कैप्चर करते हो देन रुक कैप्चर्स ऑन b3 आ रहा है और वहाँ पे जो है ब्लैक को स्ट्रॉन्ग अटैक मिल रहा है। सो इसलिए यहाँ पे पहले खेला गया रुक टू a8। पॉइंट ये है कि रुक कैप्चर्स b3 में जस्ट पॉन कैप्चर्स ऑन b3 और आप रुक कैप्चर b3 नहीं खेल सकते क्योंकि आपका रुक पिन है। सो रुक टेक्स ऑन a8, बिशप कैप्चर्स ऑन a8 एंड नाउ क्वीन टू f5। आइडिया यहाँ पे है रुक कैप्चर्स ऑन b3 का और उसी पोजीशन में बिशप कैप्चर्स ऑन a8 के बाद से आप जो है नाइट f8 करते हो, नाइट को सेव करते हो, बट देन d7 जो है उधर कम्प्लीटली विन है। सो बिशप कैप्चर a8 एंड नाउ क्वीन f5 एंड किंग b2, काफ़ी सिंपल मूव एंड इस पोजीशन में रुक टू b5 खेला गया। से उधर आप जो है नाइट f6 करके नाइट को मूव करते हो देन अगेन पॉन पुश और आपको जो है नाइट कैप्चर d7 खेलना ही पड़ेगा। सो बेसिकली एक पीस आपका जा ही रहा है। रुक b5 यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने खेला एंड नाउ जस्ट क्वीन टेक्स ऑन d7 एंड नाउ रुक टू c5। सो c2 पे अटैक है एंड नाउ रुक टू c1, सिंपली उसको सेव किया और अब ज़्यादा जो है गेम में कुछ है नहीं। क्वीन कैप्चर्स ऑन f4 यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने खेला नाउ क्वीन e8 चेक, किंग g7 और जैसे ही एंड्री एसीपेनको ने यहाँ पे d7 खेला, मैग्नस कार्लसन ने इस पोजीशन में रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको 18 साल के एंड्री एसीपेनको की ये गेम और आज का ये वीडियो? आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।